वोट करने के बाद प्राउड वोटर वाली सेल्फी तो बनती है, पर क्या वोटिंग के बाद उंगली पर लगने वाली इस स्याही के बारे में आप जानते हैं? इस इंक को इंडियेबल इंक कहा जाता है और साल 1962 से लेकर भारत के हर चुनाव में इसका इस्तेमाल डुप्लीकेट वोटिंग को टालने के लिए किया जाता है। भारत के हर चुनाव में करोड़ों लोग वोट करते हैं, जिसके लिए इंडियेबल इंक की लाखों बोतलों की जरूरत पड़ती है। पर हैरानी की बात तो ये है कि पूरे भारत में सप्लाई की जाने वाली ये इंक सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक की मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड ही बनाती है। इस इंक में सल्फर नाइट्रेट नाम का एक केमिकल मौजूद है जो उंगलियों पर लगने के बाद स्किन से चिपक जाता है, और जैसे ही इस पर अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं, इसका रंग बैंगनी बन जाता है। हर बार चुनाव के समय इस इंक के दाग को मिटाने के ट्यूटोरियल्स वायरल होते हैं, पर सच्चाई तो यही है कि ये इंक तभी आपका पीछा छोड़ती है जब आपकी उंगली पर नए स्किन सेल्स बनते हैं। पिछले कुछ सालों से सरकार इनविजिबल वोटर इंक के विकल्प पर भी विचार कर रही है, जिससे उंगली पर किया जाने वाला निशान सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट्स के भीतर ही दिख पाएगा। इंडियेबल या इनविजिबल, आपको कौन सी वोटर इंक पसंद है कमेंट्स में जरूर बताएं।